तो गाइस दिस इज आवर रेंडीवर वॉचिंग अवर ब्लॉग। चलिए अभी ना उसके वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस आज हम जा रहे हैं बतख के लिए दाना लाने के लिए जा रहे हैं, और इन सब बतखों को हमने विटामिन खिला दिया है, एक दिया है इन लोगों को, और यहाँ पर बंद कर दिया है। और जो बच्चा है उसको अभी वो अभी ध्यान रखेगा, थोड़ी देर बाद इनको छोड़ देगा यहाँ से, और इसके बाद फिर से दूसरा दवाई दे देगा। और छोटे बच्चे जो है यहाँ पर इनको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, उस साइड था इस साइड में लेके आ गया, और दो छोटे बच्चे जो है हमारे मर गए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं दाना लेने के लिए, तो देखते हैं। दाना लेना बहुत ही मुश्किल है, तो अभी ढूंढना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ आज, देखते हैं किधर मिलता है। तो गाइस हमने 5 बोरी जो दाना था वो लेके आ गए, मेल से लेके आए, 12 रुपया किलो पड़ा, और हमने 5 बोरी लेके आया, 2100 रुपया पड़ा। और अभी चावल का जुगाड़ करना पड़ेगा, चावल के साथ तो वो दाना देना पड़ेगा। यहाँ पर जो बच्चे थे, 2 बच्चे मर गए सुबह के देखा तो, और बाहर बड़े बच्चों को मैंने उस लड़के को विटामिन दे देने के लिए बोला था, यहाँ पर दे दिया उसने, और एक मेडिसिन बाकी है, थोड़ी देर बाद ही खिलाएंगे उसको। तो कुछ इस तरह से ही मेंटेन करना पड़ता है। तो हमारे पास तो ज़्यादा दिन नहीं है, आज 1 तारीख है, हम 6 तारीख को निकल जाएंगे घर से। तो देख सकते हैं वो भी यहाँ पर ही बैठा हुआ है बतखों को छोड़ के बाहर, क्योंकि यहाँ पर कौवे बहुत आते हैं। तो इसके लिए भी कुछ सामान लेके आना है, उसके लिए मास्क चाहिए, और बहुत डिमांड करता है ना, इसलिए उसके लिए मास्क चाहिए। तो थोड़ी देर के बाद हम फिर से विटामिन का मेडिसिन दे देंगे, दाना के साथ ही देंगे, नहीं तो खाली पानी से नहीं खाता है। अभी मैं जाऊंगा दुकान में, क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उसका कुछ एग्रीकल्चर का काम करके देना है, तो वो काम नहीं जानता है एग्रीकल्चर का, ऑनलाइन का काम नहीं जानता है, तो मेरे पास आया है। और आज संडे, फिर भी दुकान खोलना पड़ेगा, मैं जाता हूँ और उसको मतलब काम उसका काम कंप्लीट कर देता हूँ, तो फिर वापस आएंगे हम आके। ये बच्चा तो है, इसको अभी साथ में लेके जाएंगे, उसको भी कुछ सामान खरीद के दे देंगे, वो आके बच्चों को दे देंगे। तो अभी जाते हैं दुकान में। तो गाइस मैं आ गया हूँ दुकान पे, और मेरा जो दोस्त है उसको भी कॉल कर दिया है, वो भी आ रहा है, तो वो आने के बाद हम काम शुरू करेंगे। मैं अभी दुकान से आया हूँ, और वैदुल ने सारे बच्चों को यहाँ पर अंदर रख दिया है, और छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर पेपर भी बिछा दिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं छोटे बच्चों ने एकदम गंदा कर दिया है, मतलब पेपर जो है एकदम देख सकते हैं खराब हो गया है। तो अभी थोड़ी देर के बाद हम इनको यहाँ से वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, वहाँ पर लेके जाएंगे। तो इनको भी खाना देना पड़ेगा, इनको हम 9 बजे खाना देंगे। तो चावल तो नहीं मिला आज, पर चावल के दाने मिल गए हमको, तो अभी उसी से काम चलाना पड़ेगा जब तक चावल नहीं मिल जाता। और चावल का रेट भी बहुत ज़्यादा है, और कम दाम में चावल मिलता ही नहीं है आजकल, तो देखते हैं कब तक मिलता है। और मुझे 5 तारीख के आगे ही ये सब रेडी करना होगा। तो गाइस आज का वीडियो यही तक था, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।